ঘটনাটা আপনি একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে গার্ড করতে চাইছেন। এসএসকেএম আচল হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী যে আচরণ করলেন এই আচরণ হিটলারকেও হার মানায়। কোনো কাজই হচ্ছে না, এর মধ্যে বিজেপি ঢুকে হিন্দু মুসলমান করেছে। डॉक्टरों की हड़ताल में भी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान को लेकर एक बार फिर सियासत। हड़ताल पर भाजपा और तृणमूल आई आमने सामने। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक तरफ डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सियासी दल उसमें सांप्रदायिक रंग ढूंढकर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। हालात यह है कि अब लोग डॉक्टरों के खिलाफ उग्र हो रहे हैं, अस्पतालों में हंगामा किया जा रहा है। बर्दवान मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और एनआरएस कॉलेज में गुरुवार को परिजनों का सब्र का बांध टूट गया और परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बर्दवान मेडिकल कॉलेज और मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में तो परिजनों ने जमकर पत्थरबाजी भी की और मारपीट भी। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसएसकेएम पहुंची और जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल तोड़ने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, दीदी ने वरिष्ठ चिकित्सकों को चिट्ठी लिखकर काम पर लौटने की अपील की है। जे घटना घटेछे ज्यादा एक्शन नेन नियेछे, सबाई गेछे स्पॉटे, सबाई कथा बोलेछे, बार-बार करे तो अपील करा हयेछे चार दिन धरे, कोनो काजई हच्छे ना। এর মধ্যে বিজেপি ঢুকে হিন্দু মুসলমান করেছে। মমতা ব্যানার্জি নে ডক্টরों से हड़ताल वापस लेने की अपील की तो दूसरी तरफ इस हड़ताल को लेकर सियासत का पारा भी खूब चढ़ रहा है। भाजपा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। दो दिनों पहले ही बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय ने इस घटना को एक विशेष संप्रदाय से जोड़ते हुए आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बचा रही है। जाहिर तौर पर उनका निशाना मुस्लिम समाज था क्योंकि एनआरएस में मरने वाला व्यक्ति टेंगरा का मोहम्मद शाहिद था और उनके परिजनों ने ही डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी। एक जो रोगी मारा जाए उन्हें एक विशेष संप्रदाय भुक्त मानुषर मानुष मारा जान तारपर एनआरएस कॉलेजे ढुके डाक्टर परिवह मुखार्जी के एम भाव मारा है उन्नी एम कमाई आ। अब सवाल उठता है कि मुकुल राय का सरकार पर हमला इस बुनियाद पर कितना सही है क्योंकि यहाँ मामला तो मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच का था। हंगामा करना और मारपीट करने वाला कोई भी हो, एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, मगर यहाँ भी सांप्रदाय विशेष में बांटकर सियासत करना कितना सही है। खैर, गुरुवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी खुलकर भाजपा पर हिंदू मुसलमान कर मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगा ही दिया तो मुकुल राय ने गुरुवार को ममता बनर्जी को हिटलर की संज्ञा दे दी। एक जो रोगी मारा जाए उन्नी एक विशेष संप्रदायभुक्त मानुषर मानुष जी मारा जान तरपर एनआरएस कॉलेजे ढुके डाक्टर परिवह मुखार्जी के एम भाव मारा है उन्नी एम कमाई आ। जे घटना घटे ज्यादा एक्शन नेन नहीं सबाई गेछे स्पॉटे, सबाई कथा बोले, बार बार करे तो अपील करा हयेछे चार दिन धरे, कोनो काजई हच्छे ना। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि दीदी ने जब डॉक्टरों को चेतावनी दी तो इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले 11 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया, वहीं बाद में ये संख्या बढ़कर 18 हो गई, जबकि ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार एक छात्र को डॉक्टर बनाने के लिए 25 लाख रुपए खर्च करती है, इस तरह से कार्य स्थगन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे डॉक्टर हैं जो लोगों का इलाज नहीं कर रहे और आंदोलन किए जा रहे हैं। बहरहाल, डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और सियासी दल इसमें भी हिंदू मुसलमान तलाशने में जुटे हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे में सियासत की बजाय बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहिए ताकि मरीज को चिकित्सा मिल सके और डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा।